चलिए आज हम बनाते हैं शिमला की सब्जी, थोड़ा ढाबा स्टाइल में। और हमने चॉप कर लिया है प्याज को, शिमला मिर्च काट लिया है, प्याज थोड़ा ज़्यादा कट गया है तो पसंद है मुझे, ये जीरा है और ये दही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हींग और जीरे को पैन में डाल लेंगे और इसको तेल से थोड़ा सा पकाना है। शायद तेल थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन प्याज के साथ भूजेंगे तो बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, प्याज डाल देते हैं। अब जल्दी से प्याज डाल के भून लेते हैं। अगर इसमें आप लोग हल्दी लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, या घर में बनाया हुआ पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज कर रहा हूँ। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा इसको मिला लेंगे। इसमें हल्दी मसाला, मिर्चा मसाले डालते हैं। अब इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार अपना नमक डालेंगे। और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी धनिया भी, फिर से चला देते हैं इसको। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। प्याज इसमें पक चुका है और सबसे लास्ट में शिमला मिर्च डालेंगे, भी कर लेंगे और सबसे लास्ट में दही डाल देंगे। ठीक है, इसको थोड़े देर पकाएंगे। अब टमाटर जब पक जाए उसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च भी डाल देंगे। डालेंगे इसको। इसको थोड़ी देर पकने देंगे, अब इसमें दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसमें मिला देंगे। इसमें बेसन नहीं डाला है, आप इसमें बेसन डाल के बना सकते हो। ढाबे में लोग बेसन डालते हैं, बहुत ही लजीज दिखने में लग रही है, शायद खाने में भी होगी, बेशक होगी। पहली बार बना रहा हूँ। अब इसको पकाते हैं, कुछ देर ढक देते हैं और 2 मिनट में और लगेंगे इसको पकने में। उसके बाद ये बनकर तैयार आपकी शिमला मिर्च ढाबे स्टाइल वाली।